अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम संगीता है। मेरे शोहर ने इस्लाम कबूल किए, मैं हिंदू हूँ, तो उन्होंने मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ बताया और मुझे कुरान की किताब लाके दी और मैंने उसे अमल किया कि अल्लाह एक है और मूर्ति पूजा गलत है, तो मैंने इस्लाम कबूल की और मुझे इस्लाम कबूल करना है। माशाल्लाह, आज लगता है जो शोहर के बीवियां गैर मुस्लिम थी, आज अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहा है। और शुरू में जो क्राइटेरिया है लोग उसे खुद दोहरा रहे। बहन, मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी हाँ। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? हाँ। मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। माशाल्लाह, आपको कोई भी इस्लाम कबूल करने की जबरदस्ती कर रहा है? जी नहीं। बहन, आपकी कितने साल पहले शादी हुई? मेरी शादी को 15 साल हुए। माशाल्लाह, 15 साल से शोहर आपके साथ कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कोशिश। माशाल्लाह, 15 साल के बाद उसकी कोशिश का आज आपको फल नजर आ रहा है कि अकेले में नहीं, सारे मजमे में, लाखों के मजमे के सामने आप शहादत देना चाहती है। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? जी नहीं। कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी दबाव नहीं? नहीं, किसी का दबाव नहीं। आपके शोर के तरफ से कोई दबाव? जी नहीं। आपको कोई वार्निंग नहीं दी आपके शोर ने? ना जी नहीं, कोई वार्निंग नहीं। मैं अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। माशाल्लाह, मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु वरसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ के अल्लाह के इलावा कोई मामूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, मुसलमान हो चुकी है और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और मैं दुआ करता हूँ कि आप इस्लाम के बारे में और पढ़िए, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल कीजिए। कुरान मजीद इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब दुनिया में है। सारी दुनिया में सबसे बेहतरीन किताब है कुरान मजीद हिदायत के लिए। आप उसका तर्जुमा पढ़िए और उसके ऊपर अमल के लिए इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको इस जहां और आखिरत में भी इंशाअल्लाह जन्नत फरमाए इंशाअल्लाह। और मेरा एक सवाल है, ताकि मैं इस्लाम कबूल की हूँ तो मुझे इस्लाम के तरीके निकाह करना पड़ेगा क्या? बहन का अहम सवाल है कि एक ने इस्लाम कबूल कर चुके हैं तो क्या इस्लाम के तरीके से निकाह करने पड़ेगा? बेशक, क्योंकि पहले आपने कैसे निकाह किया मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अगर सही तरीके से जिस तरीके से निकाह करना चाहिए नहीं किया, आपको करना पड़ेगा। और एक चीज जरूरत है, आपके शोहर होने वाले शोहर या शोहर को मेहर देने पड़ेगा। आपका फायदा है, आप मेहर पूछ सकती है कि आपके शोहर या आपके होने वाले शोहर से क्या मुझे 1 लाख मेहर जो हो सकता है, आप 2 लाख पूछ सकती है। मुझे पता नहीं क्या ताकत है आपके शोहर की, 5 लाख भी पूछ सकती है, मेहर पूछ सकती है, ये आपका हक है। क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 कि शादी के वक्त अपनी होने वाली बीवी को एक तोहफा दो जिसे कहते हैं मेहर। मेहर शादी के लिए निकाह के लिए फर्ज है और आपको इस्लामिक तरीके से शादी करने पड़ेगा। और इंशाअल्लाह कोशिश करो कि जितनी भी आप जानकारी रखते हैं इस्लाम के बारे में उसके लिहाज से आप और आपके शोहर उसके ऊपर इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी बसर करें। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।